सर वर्ल्ड मलेरिया डे हर साल 25 अप्रैल में मनाया जाता है। तो पंजाब सरकार की गल करिए तो पंजाब सरकार ने एक इनिशिएट लिया है कि 2024 यानी कि अगले साल तक मलेरिया नू बिल्कुल इरेडिकेट करना है, कि ये संभव हो सकता है? देखो जैसे तक इंडिया का तलक है, इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2030 तक वो भारत विचों मलेरिया जड़ा एलीमिनेट कर पाऊंगे। हाँ पंजाब विच थोड़ी जी जिहड़ी कंडीशन है वो बैटर है क्योंकि वो उहदे च एपीआई इंडेक्स जिन्हों असी जो एक मापदंड होंदा है मलेरिया दे इंसीडेंस दा जिन्हों असी कहने एनुअल पैरासाइट इंसीडेंस वो लैस दैन 1 है पर 1000 केसिस। सो ये एलीमिनेशन फेज विच ऑलरेडी आ गया है। उहदे विच हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ वो भी इस फेज विच हैगे ने। सो हो सकता है अगर असी इहदे ते बहुत अच्छा काम करिए ते ये 2030 तो पहला एलीमिनेट हो सके। के केसेस डिटेक्ट हुए ने और रिपोर्ट हुए ने वो ऑलमोस्ट 100 to 120 दे विच केसेस जिहड़े हैगे ने रिपोर्ट हुए ने। तो सब तो वड्डी जिहड़ी ये गल है कि 2010 तो बाद 2010 साल दे विच ऑलमोस्ट 45% रिडक्शन हैगी है इन द केसेस ऑफ मलेरिया। ये बहुत वड्डी उपलब्धि है। पहला तो ये बुखार जड़ा हैगा वो सब तो वड्डा इहदा सिम्पटम हैगा। बुखार जनरली बहुत तेज़ हुंदा है। पहला आम तौर पर कहा जाता सी ये बुखार जड़ा हैगा ये कांबे दे नाल चढ़दा है, मगर अजकल मलेरिया भी जरूरी नहीं है कि हर बुखार कांबे दे नाल चढ़े और ये एकदम तेज़ हुंदा है। उस तो बाद जिहड़ी है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुंदी है और ये घटदा है। दिन च ये 2 वारी आ सकता या 3 वारी भी आ सकता। इस तो अलावा ये खांसी जुकाम जिहड़े हैगे ने वो बहुत घट तादाद पाए जाते हैं, मगर वॉमिटिंग ते लूज मोशन जिहड़ी हैगी है वो मलेरिया के सिम्पटम के भी आती है। देखो जिहड़ा जिवें तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ हैगी है। सो तई करके ये जुलाई तो लैके नवंबर के जो बारिशों का मौसम होंदा है जिते पानी इकट्ठा होंदा है उस वेले जो मच्छर जिहड़ा हैगा उत्थे इकट्ठा होके उहदे नाल इह मलेरिया दे फैलन दे जिहड़े हैगे ने चांसिस वध जांदे ने। उहदे विच पंजाब विच अगेन जदों असीं पंजाब दी गल कर रहे हैं ते दो तरह के मेन होंगे फालसीपैरम ते वाइवैक्स। ते जिहड़ा वाइवैक्स हैगा प्लाज्मोडियम उहदे केसिस जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਔਰ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਰ ਕੀ ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਾਇਵੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਸੀਪੈਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰ ਬਚਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਂਗ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਰੈਪਲੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਾਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ।